बट इतने सारे अवार्ड हैं कि ये नहीं तो उसको दे दो, उसने परफॉर्म किया तो उसको दे दो. तो वो एक जो एक ओरिजिनलिटी, एक जेन्युइननेस एक अवार्ड का हुआ करता था, वो खो गया कि जितेश के करीब कोई है तो उसको धड़ाधड़ अवार्ड मिले जा रहे हैं, यू नो. ये सब बहुत हुआ है. लास्ट 7 साल में नहीं है और आगे भी नहीं होगा होपफुली. बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिल्म फेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट दी अदर अवार्ड्स एज वेल. और वो उनको करना भी पड़ता है कि कोई अमेरिका में शूटिंग है, लंदन, आई कैन नॉट मेक इट, तो फिर नेक्स्ट बेस्ट को देना पड़ेगा क्योंकि इतने सारे लोग आए हैं, यू नो. और वो नेक्स्ट बेस्ट ही होता है या थर्ड बेस्ट होता है, तो दोज गाइज आर नॉट देयर, तो वो पेरेंट्स नहीं होती, वो एक वो जो आपका टीवी का एक TRP, वो जो रेटिंग, वो जो पैसे, वो जो इनके पैसे. सलमान ने बहुत गहरा पॉइंट बोला. सलमान, इफ आई कैन जस्ट ऐड, सॉरी टू इंटरप्ट, बट जैसे ये बोल रहे थे, बिकॉज एक टाइम पे 6 या 7 अवार्ड सेरेमनीज होने लग गए. सो ऑब्वियसली हम तो रेगुलर बेसिस पे यू नो मैगजीन चलाते हैं, वेबसाइट चलाते हैं, हमारा तो रेगुलर इंटरेक्शन होता है. बट फॉर अ लॉट ऑफ द अदर बिजनेसेस साल में एक बार बात करते थे, एंड ऑब्वियसली उनके लिए प्रेजेंस ऑफ बिग स्टार्स बहुत ही बहुत ज़रूरी था. इनफैक्ट वी टेक प्राइड के यू नो वेदर यू लव अस और हेट अस वी शुड बी फेयर. सो आई थिंक आमिर हैज मेड इट वेरी पब्लिक दैट ही इज नॉट अ फैन, बट आई थिंक वी ऑलवेज जितेश 4 या 5 बार लास्ट ईयर आप लोगों को याद होगा कि कंगना जी ने कुछ इश्यूज रेज किए थे, बट शी इज़ अ 4-time फिल्म फेयर अवार्ड विनर जिसमें से 2 साल वो अटेंड नहीं की थी. सो आर इंडिया वी हैव टू मेक द चेंज अपने आप नहीं आएगा.